So around 119 countries are working on their own version of CBDC, जिसमें से इंडिया ने recently अपनी CBDC की pilot testing भी चालू कर दी। पर CBDC है क्या? जैसे normally आप cash को use करते हैं, वैसी CBDC digital cash है। जैसे आप cash को अपने wallet में रखते हैं, वैसी CBDC को आप अपने mobile wallet में रख पाएंगे। But एक major difference है, cash को program नहीं किया जा सकता और उसको control नहीं किया जा सकता। वहीं पर CBDC डिजिटल कैश उसको प्रोग्राम किया जा सकता है और सेंट्रल बैंक्स के पास उनके पास टोटल कंट्रोल होगा, विच इज गुड बट कम्स एट अ प्राइस। फॉर एग्जांपल CBDC के ऊपर एक्सपायरेशन डेट ऐड करी जा सकती है कि आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से पहले अपनी CBDC को स्पेंड करिए, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगी। जैसे हमको चाइना के अंदर देखने को मिला कि CBDC एक्सपायरेशन डेट के साथ आती है, और उसका रीजन उन्होंने दिया टू स्टिमुलेट दी इकोनॉमी। CBDC enables more surveillance. That means आप जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे वो सब कुछ यहाँ पर ट्रैक हो पाएगा। इन अ वे नो प्रिवेसी। प्लस CBDC कैन बी प्रोग्रामड इन अ वे जहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हो, फॉर example अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ पार्टिसिपेट करते हो प्रोटेस्ट के अंदर, तो आपके वॉलेट जो है वो फ्रीज हो सकते हैं या फिर सर्टन अमाउंट ऑफ फाइन आपके वॉलेट में से ऑटो डिडक्ट हो सकता है। और लार्ज कॉर्पोरेशन भी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को प्रेशराइज कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस CBDC कि CBDC उनके प्रोडक्ट्स पे ज्यादा स्पेंड हो एंड कुछ पर्टिकुलर राइवल ब्रांड्स के ऊपर शायद स्पेंड नहीं हो या उसको रोका जाए। एंड आने वाले टाइम पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम कैश से कंप्लीट CBDC के ऊपर मूव कर जाएंगे। जैसे नाइजीरिया के अंदर सिटीजंस को फोर्स किया जा रहा है CBDC को यूज करने के लिए ATM विड्रॉल के ऊपर लिमिट लगा के $45 की। सो CBDC डेफिनेटली हैज एडवांटेजेस बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं दैट यू शुड नो। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट अस नो इन द कमेंट्स।